हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मेरे पास जो गुड न्यूज़ है वो नीट पीजी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, मींस जिनका एग्ज़ाम था बट वो नहीं दे पाए संडे को, तो उनके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दोबारा रिकंडक्ट करवाएगा एग्जामिनेशन को। तो गाइस, ये गुड न्यूज़ है, ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन अ मेजर रिलीफ टू कैंडिडेट फ्रॉम कश्मीर वैली, द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल रिकंडक्ट द एग्ज़ाम फॉर दोज हु कुड नॉट अपियर इन द नीट पीजी 2019 हेल्ड ऑन संडे ड्यू टू हॉस्टाइल वेदर कंडीशन। गैस, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से काफ़ी ट्रेन्स और फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई थी, तो उस वजह से स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाए थे एग्ज़ाम देने, इसलिए दोबारा कंडक्ट जो वो हो रहा है एग्ज़ाम। द डिसीजन वॉज टेकन बाय द बोर्ड फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द J&K गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट नो वैली बेस्ड कैंडिडेट मिस द एग्जामिनेशन ड्यू टू द क्लोजर ऑफ रोड्स एंड कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट। द अफेक्टेड कैंडिडेट हैव बीन रिक्वेस्टेड टू चेक द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड BOPW वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स। एन ऑफिशियल रिलीज हेयर सेड नो अदर कैंडिडेट फ्रॉम एनी अदर स्टेट और रीजन और फॉर एनी रीजन कंडीशन शॉल बी एलिजिबल टू अपियर इन द एग्जाम प्लान फॉर दिस अफेक्टेड कैंडिडेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट हैड। तो गाइज, जो जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनके लिए ये अपडेट है कि आप जाके जल्दी से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या BOPW की वेबसाइट चेक करिए और सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई हैं। और कोई कैंडिडेट किसी भी रीज़न से अगर उसका एग्ज़ाम छूट गया था, अगर वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, तो उसके लिए कोई रिकंडक्ट नहीं है एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम खाली जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, ऐसी जानकारियाँ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। पर आर नीट और मेडिकल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद।